सब वेल जैसे आप सभी जानते हैं कि जेके पी एस आई के स्कैम के ऊपर बहुत सारे अपडेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे मीडिया हो। सो अभी एक न्यू जो अपडेट इसमें देखने को मिला है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसमें इस स्कैम में ये चीज़ देखो आप सभी को पता है, लास्ट जब इंटरव्यू हुआ था हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर इस एग्ज़ाम में कोई भी धांधली या कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ होगा तो इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और एक जो नया प्रोसेस है एग्जाम्स को लेके उसको फॉलो किया जाएगा। तो सेम उसी चीज को लेके एक बड़ा बयान और बड़ी जो इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आ रही है कि तीन जो मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है स्क्रैपिंग ऑफ एसआई रिक्रूटमेंट। ठीक है, एसआई की जितनी भी मतलब ये जो रिक्रूटमेंट हुई है 1200 पोस्ट के लिए, इसको स्क्रैप किया जाए और इसकी इन डेप्थ जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए। सो अभी ऑफिशियली कुछ कहना, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या उस तरह से अभी नहीं आया, बट इतना ये है कि अगर कमेटी ने रिकमेंड किया है तो इसमें 95% चांसेस बन जाते हैं, मतलब 90% चांसेस बन जाते हैं कि जो एग्जाम है वो फिर से होगा इस चीज़ को लेके। और सुनने में एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि आपका ये जो जेकेपीएसआई का स्कैम का जो मतलब अभी ये जो प्रोसेस है ये सीबीआई के हाथों में दिया है। सो लेट्स सी अब इसमें क्या एक नया मोड जो है वो लेता है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था आप सबके लिए रिगार्डिंग द जेकेपीएसआई स्कैम की तीन मेंबर्स कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इस जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया जाए। ओके, सो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि उनको भी ये पता लगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।